case study of genocide. ethnic conflicts, effects of colonialism and disruption of economy leads to genocide. there are some important causes of genocide and they are the nationalism, the scientific racism, technology and bureaucratic rationalization. they are normally the general causes behind the शू ऑफ जेनोसाइड सो नैशनलिज़म एंड आइडियोलॉजिकल मूवमेंट फॉर अटेनिंग एंड मेंटेनिंग द अटानमी यूनिटी एंड आइडेंटिटी ऑफ नेशन दुनिया के अंदर वो लोग जो महरूम होते हैं बाज़ात उनके दरमियान जो एफिलिएशन क्रिएट होती है अपनी किसी खास स्पेसिफिक आइडेंटिटी की बेस पर तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नेशनलिज़म समटाइम्स दे क्रिएट द फीलिंग कि अब उन्हें अपने लिए सिस्टम में कुछ ना कुछ शेयर रिक्वायर्ड है लेकिन जो रूलिंग पार्टी होती है उसके लिए ये स्ट्रगल उसके लिए ये आइडेंटिटी और ये एंटिटी स्पेसिफिकली ये एक्सेप्टेबल नहीं होती और जो लोग एक्सेप्टेबल नहीं होंगे फिर उनको विद द यूज़ ऑफ फोर्स जो है वो ख़त्म करने की कोशिश जो है वो की जाती है

ऐसे मेथड्स यूज़ करके नस्लों को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है कि जिनके लिए बकायदा ऐसी साइंटिफिक प्लानिंग की जाती है कि जो बाद में लोगों को याद रखे जाए कि किस तरीके से एक पॉलिटिकल फोर्स ने अपने ओपोनेंट्स को ख़त्म करने के लिए प्लान किया दिन टेक्नोलॉजी एंड ब्योक्रेसी हैल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फेसिलिटेटिंग जीनोसाइड इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड अट्टेट इन टू एन एफिशेंट किलर लेकिन एक और भी मैथड जो है वो इम्पॉटेंट है जो बज़ाहिर कहीं पर तहरीर नहीं किया जाता लेकिन फॉर द स्टूडेंट ऑफ पोलिटिकल सोशोलॉजिस्ट ये बहुत इम्पॉटेंट है कि किसी ख़ास नस्ल को ख़त्म करने के लिए कैसे प्लेंड एफर्ट जो हैं वो की जाती हैं हम आजकल देख रहे हैं कि इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर किस तरीके से वहाँ के मुकामी लोगों की जगह जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी प्लैंड करके ब्यूरोटिक मॉडल को यूज़ करके मुसलमानों के नंबर को कम करने के लिए किस तरीके से ना सिर्फ उनके ख़िलाफ़ मजालिम हो रहे हैं बल्कि उनको साइंटिफिक ब्यूरोटिक टूल्स के साथ वहाँ बाहर से लाकर दूसरे मज़हब के मानने वालों को सेटल डाउन किया जा रहा है ताकि एक वक्त आए कि जब मुसलमान जो हैं वो अकलीत की बजाय वहाँ माइनॉरिटी अकलीत की शक्ल जो है वो, वो इख्तियार कर लें तो जो नेशनलिज़म है ये नॉर्मली सब्स्टिट्यूट होता है टू एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। बिकॉज़ एथनिक कॉन्फ्लिक्टरज़ वन बॉडी ट्राइज टू इन्वोक कस्टम्स लैंग्वेज कॉमन हिस्ट्रीज फीलिंग इन मैसेज एंड मोबिलाइजेशन ऑफ एथनिक सिम्बल्स फार इकनॉमिक एंड पोलिटिकल बेनिफिट्स नेशनलिज़म जहाँ एक कॉमन फीलिंग है वहाँ अगर नेशनलिस्ट लीडर्स जो हैं वो अपने लोगों के अंदर ये फीलिंग क्रिएट करें कि जहाँ जहाँ उनके खिलाफ उनकी वायलेशन हो रही है ऑफ देयर पोलिटिकल एंड इकनॉमिक राइट्स एंड दे हैव टू मूव फॉरवर्ड तो उस सिचुएशन में भी ओपोनेंट उनको एक्सेप्ट नहीं करते सो वी कैन से दैट देर इज एन इम्पॉर्टेंट इशू दैट द स्टेट्स दोज आर इन द एफर्ट ऑफ डेवलपमेंट। चाहे वो डेवलपमेंट हमने हिस्टोरिकल देखी जब कॉलोनियल टाइम पीरियड था और कॉलोनियल पावर से इंडिपेंडेंस लेने के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे थे और उस स्ट्रगल की फेस में उन्होंने बहुत सारे ऐसे मजालिम भी बर्दाश्त किए कलोनियल पावर्स ने उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की लेकिन फिर हमने अफ्रीका के अंदर देखा जहाँ पर के बकायदा तौर पर रेशियल ईशू की बुनियाद पर लोगों के अंदर लोगों की जानों का नुकसान जो है वो किया गया फिर हमने देखा कि कम्युनिस्ट वर्ल्ड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने लोगों के इंसानिया इंसानी जानों की बजाय उन्होंने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स का ख्याल रखा और ह्यूमानिटेरियन जो ग्राउंड्स थे उनको इग्नोर करके बाकायदा तौर पर ह्यूमन बेंग uh, की जो लॉसेज हैं जो बेपना नुकसान हुआ वो हिस्ट्री उसकी एविडें हिस्ट्री uh, के पास उसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं फिर हमने ये भी देखा कि जो इशू आया नॉन uh, अरब जो मुस्लिम्स थे उनके कॉन्टेक्स्ट में हमने सूडान की सिचुएशन को भी देखा कि वहाँ पर भी बाकायदा जिनोसाइड का एक बहुत लार्जर इशू जो है वो भी एक्सपीरियंस किया दुनिया ने यानी आज के दुनिया के अंदर भी मजालिम की दास्तानें मौजूद हैं किस बुनियाद पर जब पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को उनकी आवाज़ उनका हक मांगने की बुनियाद पर उनको उनकी जानों से महरूम कर दिया जाता है